दिसंबर 2023 वो समय रेखा है जिसके बाद संभवतः श्री राम लला के दर्शनों के लिए गर्भगृह के द्वार खुल जाएंगे और लाखों लोग प्रतिदिन अपने आराध्य के आंगन में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए उपस्थित हो सकेंगे। भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी को दोपहर 12:05 पर हुआ बताया जाता है। अब जब उनके जन्मस्थान का विश्व में इकलौता मंदिर बन रहा है तो शिल्पकारों ने जन्म की इस घड़ी को श्रद्धालुओं के मन पर हमेशा अंकित करने का प्रावधान तैयार किया है। जिस घड़ी श्री राम जन्मावतार हुआ उस घड़ी स्वयं सूर्य प्रतिदिन उनका अभिषेक किया करेंगे। जो तय हुआ था वो मंदिर निर्माण में होना तय है, जो वचन दिया गया था वो मंदिर निर्माण का संकल्प है और धीरे धीरे वो संकल्प पूरा हो रहा है। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। हर व्यक्ति जानता है कि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता थी वह संकल्प आज साकार हुआ है। मंदिर निर्माण की कीर्ति अभी से विश्व भर में चर्चित है। दूर से ही दिख जाने वाली धर्म ध्वजा ये विश्वास दिलाने लगी है कि वो मंदिर जिसके लिए पीढ़ियों से प्रतीक्षा की गई वो प्रतिदिन नया आकार ले रहा है। ये जो क्रेन की आप ऊंचाई देख रहे हैं ये गोंडा जाने वाले हाईवे से नजर आती है। अब समझिए कि इसके 161 फीट ऊपर होगा श्री राम मंदिर का शिखर। तो उम्मीद ये की जा रही है कि दूर दूर से और घर घर के छतों पर अगर लोग खड़े होंगे तो वहां से राम मंदिर के शिखर के दर्शन हो जाएंगे। गर्भगृह सहित मंदिर दो फ्लोर का बन रहा है। यहाँ आस्था एक सवाल करती है कि गर्भगृह के ऊपर वाले फ्लोर पर जब दर्शनार्थी आएंगे तो उनके पांव रामलला की सीध में होंगे, इस अनहोनी को कैसे टाला जाएगा। यहाँ पे गर्भगृह में हमने इसका ख्याल रखा है जी। नीचे जहाँ पे रामलला की अचल और चल मूर्ति होगी जी, उसके ऊपर गर्भगृह के पहले मंजिला जो है जी, वहाँ पे चक्रवर्ती राजा राम सिंहासन पे जो बैठे हैं। अच्छा। और उनके साथ में राम है, सीता जी है जी, और भरत शत्रुघ्न है, और उनके सामने हनुमान जी बैठे हैं, सुग्रीव हाँ। और बाकी लोग हैं हाँ। तो ये जो हमारे सामने एक एक पिक्चर आती है जी, फोटो में या प्रतिमा में दिखाया जाता है हाँ। वो सभी मूर्तियां हमारे फर्स्ट फ्लोर पे होंगे ठीक है। वो राम जी के नीचे की मूर्ति के बिल्कुल ऊपर की ओर रहेंगे हाँ। उसके हिसाब से छत की गई है, और इसके सबसे ऊपर वाला जो माला है दूसरा माला हाँ। वहाँ पे भी लोगों के पांव न जाए, बाकी मूर्तियों का भी वहाँ पे प्रयोग होगा। अयोध्या खुश है, अयोध्या वासी खुश है कि उनके आराध्य जन जन के मन के राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या की एक सबसे बड़ी परंपरा भी बदल जाएगी, और वो ये कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी यानी उनके किले से ऊंचा और कोई मंदिर नहीं हो सकता था। अयोध्या के बीच गर्भगृह में इनका वास है। जो सामान्य दीन हीन गरीब जो समाज में जिसको लोग दबे कुंचित शोषित वंचित कहते हैं, ऐसे भी लोग रोज आते हैं हनुमान जी के पास और हनुमान जी सबकी सुनते हैं। मंदिर हनुमानगढ़ी से भी ऊंचा राम जन्मभूमि का बन रहा है, बनना भी चाहिए क्योंकि इनके आराध्य हैं, इनके स्वामी हैं, इनके सरकार हैं, तो सरकार का मंदिर तो भव्य और दिव्य होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हनुमान जी को अति प्रसन्नता है। रोज सुबह से देर रात तक सुनाई देती ड्रिलिंग मशीन की आवाजें, छेनी हथौड़ी से कटते पत्थरों का स्वर और मंदिर निर्माण स्थल पर स्थिति लोगों की चमकती आंखें बताती हैं कि मंदिर बन रहा है जैसा करोड़ों लोगों ने सोचा है वैसा ही, क्योंकि हर रोज मंदिर का कोई न कोई कोना अपने स्वरूप में ढल रहा है।